आज हम क्रोशे से एकदम सिंपल एक लीफ की डिज़ाइन सीखेंगे जिससे लीफ बनेंगे और ये 3D डिज़ाइन है। तो इसे स्टार्ट करेंगे, इसके लिए हमें थ्रेड को अटैच करना है। थ्रेड अटैच करने के बाद 8 चेन्स बनानी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 चेन बनाने के बाद हमें इसे फैब्रिक में अटैच करना है, पर उसके इक्वल डिस्टेंस पे अटैच हो, इसलिए अपना एक थंब रखना है मेजरमेंट के लिए और ये यहाँ पर इसे अटैच करना है ताकि सारे लीफ इक्वल शेप के बने, इक्वल साइज के बने। इस तरह से ये अटैच हो गया है फैब्रिक में। अब हमें चेन 4 बनाना है, 1, 2, 3, 4। अपने वर्क को टर्न करना है और यहाँ से काउंट करना है हमें 1, 2, 3, 4। फोर्थ चेन के ऊपर हमें इसे अटैच करना है। सिंगल क्रोशे बनाकर मैं इसे अटैच कर दूंगी फोर्थ चेन में। तो ये फोर्थ चेन है, यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशे बनाकर इसे अटैच कर दिया। अब चेन 1 बनाएंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब हमें ये स्पेस में काम करना है, ये जो सर्कल बना है इसमें काम करना है। तो चेन 1 बना के टर्न करने के बाद ये जो स्पेस है, तो ये ऊपर हमें 10 हाफ डबल क्रोशे बनाना है और नीचे 10 हाफ डबल क्रोशे बनाना है। तो रैप करेंगे और यही रिंग के अंदर 10 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। स्लोली पुश करके हम जगह बनाते रहेंगे इसके लिए, 9, 10। ये 10 ये ऊपर की स्पेस में हो गया। अब नीचे हम बनाएंगे यही सेम रिंग में 10 टाइम हाफ डबल क्रोशे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। 10 डबल क्रोशे, 10 हाफ डबल क्रोशे होने के बाद ये जो फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे था इसके हम अंदर जाएंगे और इसे अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच से, तो एक रिंग फॉर्म हो जाएगी इस तरह से। अब ये जो रिंग फॉर्म हुई है यहाँ पर, तो हमें इसके अंदर जाना है, इसके नीचे ये जो चेन 4 थी स्पेस, यहाँ से इसे कनेक्ट करेंगे सिंगल क्रोशे बनाकर इस तरह से। अब ये कनेक्ट हो गई है। अब हमें कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें 10 डबल क्रोशे बनाएंगे। सबसे पहले चेन 2 बनाएंगे, 1, 2। अब 10 डबल क्रोशे बनाएंगे हम ये स्टार्टिंग पॉइंट से,
ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पर ये कनेक्ट हुआ है, यहाँ पर, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है और हाफ डबल क्रोशे के ऊपर 10 डबल क्रोशे बनाएंगे। 10 डबल क्रोशे होने के बाद हमें 3 ट्रेबल क्रोशे बनाने हैं ऐसे ही हाफ डबल क्रोशे के ऊपर लीफ का शेप देने के लिए। तो 2 टाइम रैप करेंगे, नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे में जाएंगे, 2 लूप्स 2 लूप्स और 2 लूप्स। तो इस तरह से लीफ का पॉइंट बनेगा। 1 ट्रेबल हुआ, 2 ट्रेबल, 3rd ट्रेबल क्रोशे। इस तरह से तो अब ये लीफ शेप बन चुका है, तो स्ट्रेट करेंगे हम इसे। अब इसे हमें ये स्ट्रेट रख कर देखना है अपनी लेस को और देखना है कि ये लीफ कहाँ तक जा रहा है इस तरह से, ताकि फैब्रिक हमारा जो एजिंग है, एज हमारा फोल्ड नहीं हो और प्रॉपर शेप दिखे। तो हमें यहाँ तक देखना है कि कहाँ तक जाता है। तो ये जहाँ तक ये जा रहा है उस पार्ट पे हमें वही जगह पे वही स्पॉट पे हमें इसे सिंगल क्रोशे बनाकर अटैच कर देना है। तो ये एक अटैच हो गया। अब हम इसे डेकोरेट करने के लिए पर्ल यूज़ करेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं पर्ल। तो ये लूप जो सिंगल क्रोशे का है इसके अंदर हम इसे पुल करेंगे, थोड़ी सी स्पेस जो पर्ल के अकॉर्डिंगली, उसके साइज़ के अकॉर्डिंगली हम फैब्रिक में जाएंगे और ये पर्ल को इस तरह से अटैच कर देंगे इस तरह से। तो एक लीफ रहेगा और एक फ्रूट, लीफ फ्रूट, इस तरह से एक वाइन बनेगी। तो इस डिज़ाइन को प्लीज़ ट्राई करें, ये 3D डिज़ाइन है, बहुत ब्यूटीफुल लगती है दुपट्टे के एजिंग पे। अब इसे कंटिन्यू सेम स्टेप से करने हैं हमें, सेम अभी हमने जैसे स्टार्ट किए थे वैसे ही करेंगे। चेन इट बनाकर स्टार्ट किए थे हमने, तो सेम वही फॉलो करेंगे। 1 चेन इट, फिर से हमें ऐसे ही करना है, गैप देखना है थंब के अकॉर्डिंगली हमारा थंब कहाँ तक जा रहा है, ताकि सारे लीफ एक साइज़ के बनाए। तो इस तरह से मैंने ये अटैच कर दिया। तो ये सेम रिपीट करें और इस तरह से सीक्वेंस में इस तरह से लीफ और फ्रूट बनाएं। और ये टोटली ऑप्शनल है पर्ल अटैच करना, आप विदाउट पर्ल के भी बना सकते हैं, तो इसे ज़रूर ट्राई करें।